महादेवपुर पहुँच चुके हैं। तो देखिए रेलवे स्टेशन है, यहाँ मैं चल रहा हूँ, आपको दिखा दूँ और भी। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं फाइनल महादेवपुर, हमको 3-4 घंटे लगे हैं, ठीक है। अब दिखा दूँ रेलवे स्टेशन पूरा आपको, देख सकते हो आप रेलवे स्टेशन। तो गाइस हम अब जा रहे हैं रणथंभौर। ये मेरे साथ है मेरे मासी का लड़का सागर है, ये मेरे जीजाजी है। हेलो फ्रेंड्स, हम 5 जने आए हैं, आज हम यहाँ मधुपुर आ चुके हैं और हम यहाँ बहुत एंजॉय करेंगे। अगर आप भी कुछ देखना चाहते हो तो हमें 1 घंटे का टाइम दीजिए, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे सबसे गणमान्य बनवारी लाल जी एंड हमारे टीचर है रमेश कुमार जी, बहुत ही हमारे ग्रुप के माने हुए कार्य है, करता है। हमारे पीछे आए सागर जी, ये वीडियो रिकॉर्डर है आज आप इनके देखो। ये राकेश जी, इनका तो कहना ही क्या है, बहुत ही क्लासिक कस्म के आदमी है। भाई अभी मिलते हैं हम रणथंभौर, तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मोटरसाइकिल में कितनी भीड़ है, तो गाइस हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं, बहुत भूख लगी। सुबह 5:30 बजे निकले हुए हैं घर से, 5 बजे के आसपास, तो हम यहाँ से खाना खाएंगे फिर निकलेंगे घूमने के लिए। ये होटल है, तो गाइस ये होटल है, उसमें नहीं खा पाए थे, ये होटल है उसमें खाना खाएंगे। 60 रुपये फुल प्लेट है इसमें, देख सकते हो आप। ये हमारी प्लेटें लग चुकी है, ये आ गई है, आलू की सब्जी है और प्याज है, दाल है, गिलास भी है, देख सकते हो। और ये भाई लोग हमारे यहाँ पे फुल प्लेट खाना खाएंगे, दाल। और ये चपाती आ चुकी है, ये भाई है हमारे चपाती लेके आए हैं, देख सकते हो। और ये चपाती आ चुकी है, ये और ये प्लेट एक और आ रही है, चपाती है, हम खाएंगे खाना, देख सकते हो आप। तो गाइस हमारा खाने पानी हो गए और अब जा रहे हैं रणथंभौर। खाना पानी हो गया है तो हम जा रहे हैं जीप के अंदर, जीप से जाएंगे रणथंभौर जहाँ गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पे हम जाएंगे जीप से। और जीप आपको दिखा दूँ, तो गाइस देखिए आप जीप वहाँ पर, गणेश जी के पास चलेंगे अभी। हम यहाँ खाना खा के आ गए हैं, हम किसी एक बंदे को डी मतलब वेट कर रहे हैं किसी बंदे का, बस वो आ जाए हम चलेंगे फिर आपको पूरे स्वाई माधोपुर दिखाऊंगा, जहाँ रणथंभौर वो पूरा दिखा दूंगा आप वीडियो के अंदर, वीडियो में ज़रूर बने रहें। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं रणथंभौर, तो देख सकते हो आप कितनी सीढ़ियाँ यहाँ पे और कितनी शानदार हरियाली है। ये मेरे पीछे भैया है, मेरे जीजा जी है, साथ जाने दो बंदे वो आगे चले गए हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं।
देख सकते हो आप नज़ारा यहाँ का, वो दिखा दूँ हम रणथंभौर का नज़ारा यहाँ से। ये रे दो बंदे वो और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है। राजस्थान का एकमात्र सबसे बड़ा मंदिर है रणथंभौर, जहाँ हमारी शादी होती है वहाँ पे सबसे पहले काड़ी यहाँ भी चलाया जाता है। ये धार्मिक स्थल है बहुत बड़ा राजस्थान का रणथंभौर, देख सकते हो आप। आइस और भी लोकेशन दिखा देता हूँ इसकी यहाँ से। तो आप देख सकते हो यहाँ का रणथंभौर का नज़ारा बहुत विशाल का है। देखिए गाइस इतनी शानदार जगह है, यहाँ पे दिख रही है आपको नदी तालाब से वगैरह यहाँ पे है। पेड़ पौधे देखिए गाइस, हरियाली देखिए यहाँ पे कितनी है, देख सकते हो आप। ये रास्ता का एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पे किसी के टाइम राजा ने सीधे पहाड़ पर चढ़ा था, वो घोड़े का पैर है और ये झरना देख के पहाड़ से आ रहा है ऊपर से नीचे तो से आ रहा है। ये तीसरा गेट है। ऑनलाइन में एडिटिंग को मासी बात हो रही है, एक को देखो मुझे रणथंभौर फोर्ट का नक्शा है यहाँ पे, देख सकते हो आप। देखो नया वीडियो।
ये हमारे राकेश कुमार जी है जो MR सोकल है, ये बहुत ही अच्छा अपना वीडियो बनाने, और आगे चल रहे हमारे वीडियो रिकॉर्डर रमेश जी कुमावत जो एक टीचर होकर भी है ना, अपना बहुत ही अनुभव कर रहे हैं। हमारे पीछे आ रहे हैं बनवारी जी एंड सागर जी, जो को सागर जी तो एक बहुत ही अच्छे वीडियो रिकॉर्डर है, और बनवारी जी हमारे संरक्षक है जो आज के मेला आयोजन के कार्यकर्ता है, जो आज इस दुर्ग किले का भ्रमण करने के लिए आए हैं, और पीछे आ रहे हैं सागर जी। तो ये जो किला है बहुत ही ऐतिहासिक किला है राजस्थान का, इसमें खूब जीव जंतु हैं, शेर चीता वगैरह हैं, और यहाँ पर देखो छोटे मोटे मकान भी बनाए गए हैं, और यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी हैं, और यहाँ पे छोटे मोटे बहुत पक्षी भी हैं, और ये हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे, देख थोड़ा सा देखिए गाइस, यहाँ बहुत सारे बंदर, वो बंदरों के बच्चे भी छोटे छोटे, बहुत सारे बंदर है पहुंच चुके हैं मंदिर में। यहाँ पर भीड़ देखिए लोगों की, ऊपर पहाड़ से रणथंभौर नीचे का एरिया कैसे दिखता है, वहाँ पे एक नदी भी है, कितनी विशाल का हरियाली देखिए, कितनी सारी हरियाली, कितनी अधिक घूमने का मज़ा यहाँ पे अलग ही है रणथंभौर।
रणथंभौर का पहाड़ देखिए कितना बड़ा है, कितना विशाल का ये देख सकते हो आप इस वीडियो के अंदर।